हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। गाइस, जयपुर में आपको जैसलमेर वाला फील देने वाला है। मतलब सो गाइस, आपको लगता होगा यार कि राजस्थान में क्या ही है, रेत के टीले पड़े हैं बस, और क्या हो सकता है। तो आज पॉश में आपको वो दिखाने वाला हूँ राजस्थान के, मतलब बोल रहे राजस्थान का गोल्ड एक्चुअल में क्या है, रेत के पीछे क्या क्या छुपा है। तो चलिए चलते हैं। हम आपको लेकर के आ गए हैं, पीछे देख सकते हो किशन बाग, यानी कि जैसलमेर रूपी जयपुर, मतलब धोरों के बीच में जयपुर में धोरे दिखाएंगे आज आपको रेत के। पीछे देख सकते हो ये जयपुर के अंदर कहाँ है, लोकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आ रहे हो और बाकी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, मैंने तुम्हें पहले भी बात बोली थी। और यहाँ पे क्या चार्जेस रहने वाले हैं, किस तरीके से आप इसके अंदर क्या क्या इन्जॉय कर सकते हो, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरी फुल इन्फॉर्मेशन पूरे वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए लगातार वीडियो में बने रहना। अंदर चलते हैं, आपको टिकट प्राइसेस, टाइमिंग्स और लोकेशन के बारे में सारी फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए गाइस, अंदर चलते हैं। दो टिकट दे दीजिए, क्या चार्जेस रहेंगे अपने टिकट के? 50 रुपीज पर पर्सन चार्जेस रहने वाला है। ये अपने टिकट्स ले लिए, लेकिन आपको मैं बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो कि विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क, लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप कॉलेज स्टूडेंट हो या आप स्कूल स्टूडेंट हो और आप ये सोच रहे हो कि आप यहाँ पर आ जाओगे और आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप किसी सरकारी स्कूल से यानी गवर्नमेंट स्कूल से हो और आप यहाँ पर एजुकेशन पर्पज़ से आ रहे हो ग्रुप में, तो आपको निःशुल्क एंट्री है, वरना तो भाई साहब आपको 50 रुपए पे करना होगा। सो गाइस देखिए, 11 बज चुके हैं, यानी हर एक घंटे में आपको यहाँ गाइड मिलेंगे। तो अंदर की साइड में इन्होंने बना रखा है, ये लीजिए टिकट चेक करा देते हैं, ये लीजिए अपना टिकट चेक हो गया है। अंदर चलते हैं और अब आपको अंदर दिखाते हैं क्या बात है। काफी देखिए, काफी ज्यादा सुंदर है, मतलब आपके सेल्फी के हिसाब से भी और आप घूमने के हिसाब से फुल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ये देखिए पूरा वॉकवे मस्त, एकदम ये ब्रिज टाइप का कुछ बना हुआ है जिसके ऊपर चल के हम आगे बढ़ेंगे। ये पास ही में आपको पार्क मिल जाएगा, इसके अंदर भी आप जा सकते हो, देख सकते हो, वो देखिए वहां पर पेड़ लगे हुए हैं काफी सारे। तो आगे चलते हैं, गाइड आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, तो अपन जल्दी से चलते हैं गाइड के पास में और आपको दिखाते हैं। सो दोस्तों, हम वहां पहुंच चुके हैं जहां से हमें गाइड मिलने वाले हैं, और पीछे देखो व्यू, देखो क्या गजब व्यू है। सो गाइस, हमारे जो आज के गाइड हैं वो देखिए मोनल जी हैं, ये हमें फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाली हैं इस जगह के बारे में आज। तो मैम दिखाइए, आइए। ये कैक्टस नहीं है, इसको थोर कहते हैं। कैक्टस इज नॉट नेटिव टू इंडिया, ठीक है, वो साउथ नॉर्थ अमेरिका से इंडिया में लाया गया था, ठीक है। जबकि थोर जो है इज़ अ नेटिव टू इंडिया, राजस्थान, जो यहाँ पे मिलता है, रेड कलर के फ्लावर से ब्लूम करता है पूरा का पूरा। ये जो कंटिन्यू साउंड आ रही है ना, ठीक है, ये जो कॉल चल रही है, ये बैबलर्स की है। ये फ्लॉक्स में होते हैं, 10 से 15 से ज़्यादा हो सकते हैं, और ये कंटिन्यू साउंड करते रहते हैं। ये रहे, इसी से साउंड क्रिएट करते रहते हैं ना, कॉल्स होती है बर्ड्स की। तो इसको हम लोग मैनहट्टन कहते हैं, क्योंकि ये मैनहट्टन की बिल्डिंग स्काईलाइन जैसा दिखाई देता है, ठीक है। ये सारा सारा सैंडस्टोन है, और इन सबके कलर्स अलग अलग है और डाइवर्सिटी है, जो ये बताती है कि इनमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिलते हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन है, तभी ये ब्राउन सा कलर का दिख रहा है ना, रस्टिंग। एक्चुअल में आप यहाँ पर आ रहे हो तो मतलब आपको ऐसा फील होगा कि मतलब अफ्रीका पहुँच चुके हो बॉस, मतलब जैसलमेर तो है ही है, सहारा डेजर्ट में घूम रहे हो आप। देखो आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, इधर देखो पीछे देखो, आपको ऐसे ही फील होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला पूरा फील आ जाएगा आपको। देखो पीछे एकदम सूखी सूखी ग्रास, काफ़ी मतलब यार मैं सोच नहीं सकता था कि मतलब जयपुर में मुझे ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। पूरा राजस्थान, पूरा जैसलमेर समेट कर ला करके जयपुर में रख दिया है। अफ्रीका हो या राजस्थान के अंदर थार, जो आप मूवीज में देखते हो वैसा फील, आओ दिखाते हैं आपको। ये देखो पीछे देखो,
सो गाइस देखिए हमें यहाँ पे चलते चलते हमारे सब्सक्राइबर मिल गए। ये देखिए इनका भी यूट्यूब पे चैनल है और ये इनका नाम सुमित है और सुमित, इनको भी आपको बताओ चैनल का नाम बताओ। सुमित जयसवाल ब्लॉग पैरों के 2-4 वीडियो बनाए हमने और वो हाँ, मतलब इनको देख करके हमने बिसलपुर का वीडियो बनाया था, मिनी गोवा नाम से इनका ब्लॉग था। सो गाइस देखिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट दिखाता हूँ, आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पे एक स्टोन मिलेगा जो कि जैसलमेर में मिलता है, ये फॉसिल्स बोलते हैं एक्चुअल में। इसके वहाँ पर बर्तन भी मिलते हैं आप देख सकते हो, ये देखिए काफ़ी मतलब करोड़ों साल पहले कुछ अपना जो राजस्थान है जैसलमेर वाला जो पार्ट है वहाँ पर समुद्र हुआ करता था, वो सूख गया तो वहाँ पर जो भी फॉसिल्स होते थे वो सब मतलब मिट्टी में दब गया। उन मिट्टी में दबने के बाद में ये आप देख सकते हो, ये देखिए कुछ इस तरीके के स्टोन्स तैयार हुए और इन स्टोन्स को बोलते हैं फॉसिल्स। इसके बर्तन भी बनते हैं जैसलमेर में, अगर आप अपने घर में दही जमा रहे हो तो आपको केवल दूध डालना होगा उस बर्तन में और वो ऑटोमेटिक दही बन जाएगा क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये होता है। तो आइए चलिए गाइस आगे दिखाते हैं आपको और कमाल की चीज़ें। गाइस ये देखिए काले नमक जैसा आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में काला नमक नहीं है, ये एक स्टोन है जो करोड़ों सालों में मतलब करोड़ों सालों में क्या है कि अपने जो अर्थ है इस पर फ्रिक्शन होता रहता है, मतलब कई सारा दबाव प्रेशर पड़ता है, उसके प्रेशर से आप देख सकते हो लाइन्स जो है ना ये अलग अलग लेयर्स थी जो प्रेशराइज हो करके ये एक स्टोन बन गया। मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, ये काफ़ी मतलब यार कमाल, मतलब नेचर का जो कमाल है ना यार, यहाँ पर अगर आपको नॉलेज है ना तो आपके लिए ये मान लीजिए आप ये एक तिजोरी है, एक पिटारा है, एक ओपन तिजोरी जहाँ पर आकर के आप अपनी नॉलेज को सातवें आसमान पे ले जा सकते हो। बॉस ड्यून्स के अंदर से निकल कर आ गए, ड्यून्स का आपने थोड़ा बहुत सिनेमैटिक देख लिया, अब आपको ऊपर चलते हैं और यहाँ पर पानी का एक तालाब बना हुआ है। मतलब पूरा राजस्थान अगर कोई घूमता है उसको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो जयपुर के किशन बाग में आकर के आपको वो पूरा एक्सपीरियंस यहीं पर ही मिल जाएगा। पूरा जो भी एक्सप्लोर करोगे ना सब कुछ यहाँ है। और मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा, यहाँ पर गाइड ज़रूर लेना है यार, अगर गाइड के साथ नहीं घूमे ना मतलब तुमने कुछ देखा ही नहीं है यहाँ पर। चलते चलते हमारे कदमों ने थोड़ा साथ हमसे भगाया है, सांस भरी है मेरी बहुत बुरे तरीके से क्योंकि रेगिस्तान में अचानक से मेरी प्यास को बुझाने पानी आया है। वाह वाह वाह। दोस्तों दरखास्त है आपसे, एक बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर तो अभी चक्कर काट के आया हूँ और 3-3.5 किलोमीटर वापस जाऊँगा। मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करो, देखो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, और बेल आइकन को प्रेस करो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे टाइम पे वीडियोस के। मतलब फुल कमाल धमाल वीडियो है आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये शूट किया है। और आइए दिखाते नहीं, एक और सब्सक्राइबर मिल गए। क्या नाम है आपका? गजेंद्र नाम है मेरा, गजेंद्र। तो ये देख लीजिए भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। पानी इतू सा है लेकिन फील जो है ना इस पानी को देखकर बड़े अच्छा सुकून मिल रहा है, मतलब अंदर से एक बड़ा ही मतलब मेरे को ये एहसास दिलाया इस पानी ने कि, और यहाँ का कॉन्सेप्ट भी ये रहा, इतना लंबा चक्कर काट के आए वहाँ से और 3.5 किलोमीटर बाद, मतलब इतना लंबा चक्कर काटने के बाद में आपको पानी दिखा है तो मतलब आप समझ सकते हो ना ये कॉन्सेप्ट क्या कहला रहा है। ये कहला रहा है कॉन्सेप्ट कि भैया रेगिस्तान के अंदर आपको पानी कितनी मुश्किल से मिलता है, वो ही सिस्टम इन्होंने यहाँ दर्शाया। नीचे देखो आर्टिफिशियल है ये, नीचे देख सकते हो मिट्टी और इसमें काफ़ी सारी फिशेस भी देखने को मिल जाएंगी और ये नेचर, मतलब अभी हमारे साथ गाइड है नहीं एक्चुअल में, वो होते तो वो इस मैंने जो बताया उससे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते। आप उधर देख सकते हो पानी में मछलियाँ, देखो छोटी छोटी से कैसे भाग रही हैं। एक पेड़ अपने हाथ से लगाओ और उसको केवल, तो मैं नहीं बोल रहा तुम 100 पेड़ लगाओ, 10,000 पेड़ लगाओ, एक पेड़ लगाओ पर उस पेड़ को हमेशा संभाल के रखो, जब तक वो बड़ा ना हो जाए ना तब तक उसका पूरा ध्यान रखो। उसे कहते हैं मतलब कि हाँ कुछ अच्छा काम किया, आपने पेड़ लगाया और वो सूख गया तो कोई वैल्यू नहीं है, 100 पेड़ लगाओ 100 सूख जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं है उसका। तो ये वाली चीज़ है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, यहीं से इस पानी से ही मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाबा सी यू और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कोरोना से सावधान रहिएगा, ठीक है गाइस, बाय बाय।